जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल का दौरा पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर बांदा, गाजीपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग के भी आदेश हैं। इंडिया टुडे के इनपुट्स के मुताबिक जेल अथॉरिटी ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने रोजा रखा हुआ था। रोजा खोलने के बाद तबीयत खराब हुई। ये भी बताया गया कि जेल डॉक्टर के सामने भी मुख्तार अंसारी की हालत ठीक नहीं थी। पुराने डॉक्टर को बुलाया गया, इसके बाद ही मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मुख्तार अंसारी के इलाज में डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार अंसारी के निधन के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया। इसके मुताबिक 28 मार्च की शाम 8:30 बजे मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। उल्टी की शिकायत की गई थी। अस्पताल में 9 डॉक्टरों की टीम ने तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। इससे पहले 26 मार्च को भी तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कौशल ने बताया था कि मुख्तार अंसारी को पेट दर्द, पेशाब और मल त्यागने में समस्या थी। 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात करीब 1 बजे मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा था। इंडिया टुडे के इनपुट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी को मूत्रपथ संक्रमण यानी कि यूटीआई हुआ और डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी। गुरुवार 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी जिला अदालत में आरोप लगाए थे कि जेल में जहर मिला हुआ खाना दिया गया था और इसी वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक धोखाधड़ी केस में मुख्तार अंसारी MP MLA अदालत में पेश नहीं हुआ। उसका वकील रणधीर सिंह सुमन ने जो आवेदन दायर किया उसमें लिखा, 19 मार्च की रात को मेरे खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया जिसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की एक टीम ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल टेस्ट किया और कुछ ब्लड टेस्ट भी किए। फिर मुख्तार अंसारी को कुछ दवाएं दी गई और जेल प्रशासन को बताया गया कि मुख्तार अंसारी को रमजान के रोजे रखने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच गाजीपुर के सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया था। अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्तार के दावों को दोहराया, कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर मिला हुआ खाना दिया जा रहा था। जेल अधिकारियों ने इन दावों को खारिज भी कर दिया था। साफ कहा था कि सभी कैदी एक ही खाना खाते हैं और उनमें से किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हुई। उधर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद UP के मऊ में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। उधर मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित घर के बाहर भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं।